हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में, प्रिंस लर्निंग सेंटर में। हमने मेरी वीडियो के पार्ट वन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा, जिसमें हमने देखा कि रूल्स कैसे बनते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। मैं आपको, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले मेरी वो वीडियोज देखें, ताकि आपको आने वाले जो तीन रूल अब हम सीख रहे हैं जो पेंडिंग थे हमारे, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने नॉर्मल सीखा, जैसे कि मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मैं स्कूल जाता हूं, तो हमने तीन वे में सीखा था। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, इसके बाद नेगेटिव। तो मैं स्कूल जाता हूं, हमने सीखा था आई गो टू स्कूल। अगर आपको डीपली सीखना है तो आप उस वीडियो को जाके देखो, वो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। नेगेटिव क्या सिखाया था मैंने आपको, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये सीखा था हमने। फिर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो बस सिंपल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, उसको आगे ले आए करो, बस सिंपल डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। तो हमने बस लास्ट वीडियो में तीन रूल सीखे थे। सो अब हम नेक्स्ट की इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम आगे के तीन रूल सीखेंगे, और हमने साथ में और क्या क्या सीखा था मैं आपको रिकैप दे देना चाहता हूँ। हमने पहचान याद रखनी आपको, पहचान हमारी क्या थी, अगर लास्ट में क्या आता हो, ता है आता हो, ती है आता हो, और तो है आता हो, ये सारी चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। सो आपको याद होगी, क्योंकि जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, अभी प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है और तो है आता। तो आपको आई होप पहचान भी क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो हमारे थ्री रूल्स पेंडिंग थे उनको स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम रूल नंबर थर्ड तक हमने सीख लिया था, तो अब आज हम रूल नंबर फोर के बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर फोर क्या है, रूल नंबर फोर बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है रूल नंबर फोर में। तो रूल नंबर फोर हमारा इंट्रोग्रेटिव का ही नेगेटिव होता है, मतलब रूल नंबर फोर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोग्रेटिव का ही ये नेगेटिव होता है। मतलब उसी वाले सेंटेंस, उसी वाले रूल में जो हमारा रूल नंबर थर्ड था, कहाँ गया हमारा रूल नंबर थर्ड, गिरा। तो रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है, ये इस, बस आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट क्या, बस नॉट जोड़ दो, रूल बन गया, वेरी सिंपल। आपको रूल्स बनाना भी आना चाहिए। तो रूल नंबर फोर जल्दी से लिखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना। सबसे पहले क्या था, डू डज लिखा, अब आपको धीरे धीरे मेरे साथ रूल्स बनाना भी आ जाएगा। डू और डज लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव का नॉट लगाया, और V1 का V1, और ऑब्जेक्ट में लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में O डाल दिया, आप समझ जाना। तो डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस मेरे कैसे होंगे, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम टीवी नहीं देखते, मतलब नहीं में बोलेंगे, क्या तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट नहीं में बोलेंगे, इंट्रोग्रेटिव का ये नेगेटिव बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो बनाते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। तो बनाते हैं, सबसे पहले तुम आ रहा है तो क्या लगाएंगे, डू, डू लगा दिया, डू और डज में से एक चीज चुनी है तो डू चुना, क्यों, क्योंकि तुम के साथ क्या लगता है, डू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यू लगाया, डू यू, नेगेटिव का नॉट सिंपल सा था, डू यू नॉट, V1 लगाना, खाना क्या होता है, ईट, डू यू नॉट ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, डू यू नॉट ईट फूड, सिंपल सा था हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस मैं आपके लिए बनाता हूं, रूल नंबर फोर का एक और सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, कि क्या राहुल टीवी नहीं देखता है। तो सिंपल सा रूल आपको याद है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, डू डज, तो डू डज लगाते हैं, राहुल क्या है हमारा, सिंगलर, तो सिंगलर के साथ क्या आता है, डज लगा दिया, डज, फिर सब्जेक्ट लगाना है राहुल, डज राहुल, फिर क्या लगाते हैं, नेगेटिव का नॉट, आप रूल देख सकते हो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है, डज राहुल नॉट वॉच टीवी, V1 लगाया हमने और टीवी का
टीवी लवर, सिंपल खत्म, दस राउंड नॉट वॉच टीवी, बस। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब हम रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, क्योंकि आपको पता है जहां पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रूल नंबर 5 और 6 में, मतलब जैसे कि WH फैमिली वाले। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं WH फैमिली हमारा। तो रूल नंबर 5, अब हम रूल नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। तो रूल नंबर फाइव हमारा स्टार्ट करते हैं। कैसा रूल होता है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, मैं रिकैप देता हूं। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब हम सीखेंगे क्यों, कब, कहां, कैसे, ऐसे वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। तो सिंपल, WH फैमिली, डू और डज, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेते हैं, तो आप सोचोगे कैसे लगा दिया। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या है, WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये WH क्या आ गया, तो WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। WH क्या होते हैं, इसमें कम बेसिकली हमारे वर्ड्स होते हैं 7, ले लेते हैं अभी। बेसिक सेवन होती है हमारी, वाई, वैन, वट, हु, वेयर और विच, हाउ, ऐसे बहुत सारी है। अगर आपको इसके लिस्ट चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो बताओ वाई का क्या होता है, क्यों बोलते हैं, सिंपल। वैन का क्या होता है, कब होता है, वेरी सिंपल। वट का क्या होता है, क्या, हु कौन होता है, कौन, वेयर मतलब कहां, विच मतलब कौन सा, जैसे तुम कौन से कपड़े पहनते हो, हाउ मतलब कैसे, ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप इस 7 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा, वाई, वैन, वट, हु, वेयर, विच एंड हाउ। अगर ये बेसिक वर्ड्स याद नहीं है तो फिर हमसे बिल्कुल भी सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो आप पहले बेसिक कंप्लीट करें, और टोटल कम से कम 24 WH फैमिली तो आप लर्न कर ही लीजिए, ताकि आप और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सको। सो कैसे होता है ये सेंटेंस, स्टार्ट करते हैं। सो पहला सेंटेंस लिखता हूं, जैसे वह इजी इजी लेते हैं, अभी हम इजी लेंगे। जैसे जैसे सेंटेंस हम बनाना सीख जाएंगे हम थोड़े अच्छे सेंटेंस भी क्लियर करेंगे। अभी जैसे हम इजीली ले रहे हैं ताकि आपका रूल्स बनाने की फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो वह स्कूल क्यों जाता है, तो देखो क्या आ गया हमारा, क्यों, क्यों जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या आता हो, WH फैमिली आती हो, क्यों, कहां, कैसे, कब, तो आपको जैसे ये वर्ड्स दिखते हैं इसके लिए सबसे पहले इनको सबसे आगे लगाना है। तो रूल को फॉलो कीजिए, रूल को फॉलो करते हैं, सबसे पहले क्या लगाना है, WH फैमिली लगा देते हैं। WH फैमिली, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। अब रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि भाई डू और डज में से एक चीज लगाओ, तो क्या आएगा वो, क्या, वो तो सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा, वह के साथ क्या आता है, डज, वाई डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या होती है V1, अब तक तो आपको रूल से याद हो चुके गए होंगे, V1 क्या होता है हमारा, गो, वाई डज ही गो, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल, सिंपल, वाई डज ही गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम गाना क्यों गाता है, राम गाना क्यों गाता है, Why, सिंपल, आप मेरे साथ साथ बनाइए, Why, राम क्या है हमारा, सिंगलर, तो सिंगलर के साथ क्या आता है, डज, Why does राम, गाने गाने का क्या होता है, गाने का क्या होता है, गाता का क्या होता है, सिंग, अब तो आपको वर्ब लर्न हो गई होगी, Why does राम सिंग, और गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग, Why does राम सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सा। अब फटाफट लास्ट रूल भी कंप्लीट कर लेते हैं,
और उसके जैसे वो रूल कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ चलेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो फटाफट रूल नंबर 6 कर लेते। अब आप सोच रहे होंगे रूल नंबर 6 में क्या होगा। रूल नंबर 6 में कुछ नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का ही नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट रूल करा था फिर उसका नेगेटिव पड़ा, थर्ड रूल पड़ा उसका नेगेटिव पड़ा, वैसे ही फिफ्थ रूल का भी नेगेटिव होता है। तो जल्दी से लिखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। डब्ल्यू एच फैमिली डू डज सब्जेक्ट, नॉट लगाना, सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और वी वन और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं वन सेंटेंस क्रिएट करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, कौन सा सेंटेंस ले हम, यहां बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा सेंटेंस बना लेते हैं, वह टीवी क्यों नहीं देखता है, वह टीवी क्यों नहीं देखता है। तो बना लेते हैं वह टीवी क्यों नहीं देखता है, सबसे पहले वह आ रहा है, तो क्या सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्यों, डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स को नोटिस करना है। सबसे पहले क्या आया हमारा, क्यों, तो क्या लगाया मैंने, वाई, सिंपल सा। वह आ रहा तो क्या लगाऊं, डज, वाई डज, फिर वह को क्या बोलते हैं, ही, why does he, नेगेटिव का not, रूल को फॉलो करना बन जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपसे आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप रूल को देख देख के बनाएं, देन जैसे ही आपको रूल्स लर्न हो जाएंगे स्टेप आपको समझ में आ जाएगा और सारे सेंटेंसेस आप खुद बनाना सीख जाओगे। तो why does he not watch TV, so I hope आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस वीडियो के 3 रूल समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव डाउट सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, I will help you. So thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel. We will meet soon in the next video.